हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और बस मैं एकदम ठीक ठाक, एकदम फिट पाट। और आप लोगों से भी मैं बात कर रही हूँ। तो बस अभी जो है यहाँ पे देखो, मैंने ये ना ये फ्लावर पॉट यहाँ पे रख दिया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पे रखे हुए। लेकिन अभी इस चीज़ को हटाऊंगी मैं, ये यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है। तो इसी वजह से जो है हल्का फुल्का सा डेकोरेशन मैंने कर दिया है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे रखा हुआ था तो वो इतना ज़्यादा मतलब सबसे नीचे रखा हुआ था ना, तो वहाँ पे क्या है ना, गाड़ी वगैरह रखने लगी है, तो इसी वजह से वो और उसकी शो ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो हाँ, कल पता है मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कल रात में तो मैं सो भी नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि अब सोऊंगी अब सोऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। कोशिश मैं इतनी कर रही थी सोने की, तो बहुत ज़्यादा परेशान रही मैं रात भर। मुझे इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गैस बन रही थी ना पेट में। फिर मैंने रात भर जो है टहलना शुरू किया, कमरे में ही टहल रही थी मैं, इनको भी नहीं उठाया मैंने। फिर जब मैंने इनको मतलब पूरी रात मुझे टहलते टहलते हो गई, और फिर मैं लेट रही और फिर से मुझे मतलब उठना पड़ रहा, और मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब सी हो रही थी। इतनी ज़्यादा गैस बन रही थी पेट में, और ऐसा कुछ खाया भी नहीं था मैंने कि जिससे मतलब इतनी ज़्यादा गैस बने। कल शाम में मैंने बिल्कुल बस दूध ही लिया था, बाकी और कुछ नहीं खाया था, क्योंकि लेट ही खाना खाया था तो फिर रात में खाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं हुआ। तो इसी वजह से बस मैंने दूध लिया था 1 ग्लास, उसमें ही मतलब पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। तो सुबह जब मैं सो रही थी, थोड़ा लेट हो गई थी उठने में, तो फिर ये बोलने लग के पता नहीं अचानक इतनी लेट तक क्यों सो रही है ये। तो फिर जब फिर मैंने इनको बताया कि ना मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी, इतनी ज़्यादा गैस बन रही थी पेट में, तो ये बोलने लगे कि अच्छा तो मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे उठा देती। तो बस मैंने सोचा कि इनको क्यों परेशान करना, मैं तो हो ही रही हूँ। अब ठीक है, कुछ ही दिन और बाकी है, इतना तो ठीक है। तो बस इसी वजह से मैंने इनको परेशान नहीं किया, मैंने नहीं उठाया इनको, वरना ये भी फिर परेशान होते मेरे साथ में। नहीं तो फिर ये कहने लगते कि चलो डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के तुरंत डॉक्टर के पास जाने के बोलने लगते हैं। तो इसी वजह से मैं इनसे कुछ कहती नहीं, मतलब बहुत जल्दी से ही इनको डॉक्टर के लगने लगती है। तो बस ये फिर सुबह जो है लेट उठी हूँ मैं, तो फिर मैंने सारे काम किए, लेकिन सुबह तो मेरे को ठीक लग रहा था। हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर बस काम वाम करने के बाद मैं अभी सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ। बस अभी मैंने पता है कुछ चीज़ें मंगाई हैं, और वो मैं आप लोगों को दिखाने दिखाने वाली हूँ। मतलब मैंने कुछ अपने लहंगा कलेक्शन जो है अपने लिए मंगाया हुआ है, तो आप लोग वो देखना। बहुत ही प्यारे प्यारे से लहंगे मैंने मंगाए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो ठीक है, तो चलिए लहंगे देख लेते हैं। मैंने बहुत ही यूनिक से और अच्छे अच्छे से लहंगे मंगाए हुए हैं। क्या जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी शादी सीजन चल रहा है, और मेरे घर में भी इतनी ज़्यादा शादियाँ हैं, हालांकि मैं अटेंड तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए जो है ना लहंगे मंगाए हुए हैं। तो चलिए फिर लहंगा कलेक्शन देख लीजिए मेरा न्यू। हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग? और आज का जो वीडियो होने वाला है वो लहंगे के ऊपर होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी शादी सीजन चल रहा है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं क्यों ना लहंगा ही शेयर करूं। मैं लहंगे के साथ में मैंने कुछ साड़ियां भी मंगाई हुई हैं, तो वो भी आप लोग देख लेना। ये कुछ इतनी सारी लहंगे हैं, इसमें से 3 लहंगे हैं, 2 साड़ियां हैं, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वन बाई वन मैं आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स जो है दिखाऊंगी, और ये मैंने जो है अमेजिंग फैक्ट्री से मंगाए हुए हैं। तो बस ये मुझे कुछ दिन पहले रिसीव हो गए थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने का, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो आज मैं फ्री हूँ तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। सो गाइज, ये अमेजिंग फैक्ट्री की वेबसाइट है, जिसमें लहंगे, कुर्ती, ड्रेसेस, साड़ी, एथनिक वियर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, फ्री शिपिंग है, और 7 डेज रिटर्न पॉलिसी भी है। तो लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है या ऑर्डर करना है तो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला लहंगा दिखाने वाली हूँ।
जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए है। जैसे शादी का सीजन चल रहा है तो दुल्हन की जो बहन होती है वो दुल्हन की तरह ही खूबसूरत दिखनी चाहिए, तो इसी वजह से जो है मैंने सोचा कि चलो सिलेक्टेड लहंगे ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये ब्लाउज का फैब्रिक दिखा रही हूँ। कुछ इस टाइप से ही अनस्टिच आएंगे, आप लोगों को अपने हिसाब से ही स्टिच कराना है, ठीक है। ये देखो, तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा शिमरी शिमरी आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सीक्वेंस वर्क है, पूरा ही सीक्वेंस और थ्रेड का वर्क दिया गया है इस पर, तो ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। और इसका जो कलर है वो आप लाइट पिंक सा जो कलर आता है, पीच कलर जैसा कुछ वो कलर है इसका, शायद आप लोगों को अच्छे से दिख भी रहा हो। तो ब्लाउज का कपड़ा काफी ज्यादा दिया गया है इसके साथ में, यहाँ पे हमारे लाइनिंग भी मिल जाती है। तो ये लाइनिंग है, और अब बात करते हैं इसके दुपट्टे की। तो यहाँ पे ये है इसका दुपट्टा, और दुपट्टा है नेट का, तो इसका फैब्रिक काफी ज्यादा सॉफ्ट है, नेट का फैब्रिक, और चारों साइड में हमें इस टाइप की ये बॉर्डर मिल जाती है। तो ये लेस हमें चारों साइड में मिल जाती है, ये भी सीक्वेंस वाली ही है, और ये जरी वाली वर्क आप देख ही रहे हैं, जरी का वर्क दिया हुआ है इसमें चारों साइड में। तो इसका दुपट्टा भी काफी ज्यादा लंबा चौड़ा और भरा हुआ है। अब बात करते हैं लहंगे की, जो मैंने ओपन करके पहले ही देख लिया था। तो ये है इसका लहंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आपकी एंगेजमेंट है या फिर आपकी सिस्टर की शादी है तो मतलब आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया, और ये रात के टाइम में तो इतना ज्यादा शाइन करेगा ना, झिलमिलाएगा सारी लाइट्स की। सारी लाइट्स आपके लहंगे पर ही पड़ेंगे और ये बहुत ही ज्यादा झिलमिलाता हुआ नजर आएगा। तो ये इसमें घेर भी काफी ज्यादा है, और ये देख सकते हैं आप, ये मैंने, और इसके अंदर यहाँ पे ये लाइनिंग लगी हुई है, नीचे कैन भी लगी हुई है, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है ताकि इसका घेर और भी ज्यादा खूबसूरत लगे, ठीक है। और इसके अंदर भी हमें एक फॉल टाइप में मिल जाती है, जो कि इसके घेर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही है ये। तो ये है लहंगा, और दुपट्टा इसका इसलिए प्लेन दिया गया है क्योंकि लहंगा और चोली दोनों सेम है, और दुपट्टा प्लेन तो बनता ही है ना, फिर अगर ये दुपट्टा भी अगर हैवी हो जाता तो फिर ये ज्यादा अच्छा ही नहीं लगता, तो इसी वजह से इन्होंने बहुत ही अच्छे से कॉम्बिनेशन किया है। वाओ, इसका जो कलर है ना गाइस बहुत ही ज्यादा प्यारा है। अगर किसी की हल्दी है तो आप इसको बिल्कुल से ले सकती हैं, ब्राइड है वो ले सकती हैं, क्योंकि ये लहंगा मुझे इतना ज्यादा पसंद आया ना, बहुत ही ज्यादा, इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा है एक बात तो ये है, और ये कलीदार लहंगा है, और इस टाइप से लहंगे पे पूरे में वर्क दिया हुआ है, जरी का वर्क दिया हुआ है ये, और ये प्लास्टिक मिरर्स भी हैं साथ साथ में, क्योंकि रियल मिरर आप लोगों ने देखे होंगे तो वो थोड़े से क्या है ना, उनको पहनने में थोड़ा सा डर लगता है लोगों को, कहीं चुभ ना जाए या कुछ भी, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लास्टिक मिरर दिया गया है, और थोड़ा थोड़ा सा सीक्वेंस और जरी का काम भी दिया गया है। इसका काम बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। इसका घेर भी काफी ज्यादा है देखो, तो ये कलीदार लहंगा है, इसके अंदर भी हमें इस टाइप की लाइनिंग मिल जाती है, और उसके बाद में हमें यहाँ पे इस टाइप की कैनकैन मिल जाती है। तो यहाँ पे ये इस टाइप की कैनकैन दी गई है, उसके अंदर एक और हमें जो है लाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये हुआ लहंगा, इसका बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं आप लोगों को साइड में इसका वीडियो क्लिप भी लगा दूंगी कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। और ये है इसका ब्लाउज, ये देख सकते हैं, ये है इसका फ्रंट, ये है इसका बैक,
बैक का डिजाइन देखो कितना प्यारा दिया गया है इसमें। इसी तरीके से आप सिलवा सकते हैं, और अगर आपको स्लीवलेस पहनना है तो आप स्लीवलेस भी पहन सकते हैं। और ये है इसका फ्रंट, तो फ्रंट का डिजाइन भी बहुत ज्यादा प्यारे दिया है। यहाँ पे ये स्लीव्स दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं दुपट्टे की। इसकी तो दुपट्टा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा प्यारा है। ये देखो चारों साइड में हमें यही जरी और सितारे वर्क का बॉर्डर मिल जाता है। जो लहंगे के ऊपर काम दिया हुआ है बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पे भी काम दिया है। बीच बीच में स्टोन लगा दिए हैं ताकि और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। ये दुपट्टा भी काफी ज्यादा अच्छा और बड़ा सा है, तो ये मुझे बहुत ज्यादा वाला अच्छा लगा है। और नेक्स्ट लहंगा ये है, तो ये लहंगा भी जो है बहुत ही ज्यादा प्यारा है, गर्ल्स के लिए है। वैसे लेडी भी पहन सकती हैं इसको, तो इस टाइप से है ये लहंगा कुछ। इसके ऊपर पूरा थ्रेड वर्क दिया गया है, धागे का ही काम दिया गया है। कलीदार लहंगा है ये, और इसका घेर भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस के हिसाब से घेर में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बहुत ही अच्छा है। और लहंगे के ऊपर पूरा इस टाइप से काम किया गया है, जरी का और धागे का। इसमें ये लाइट पिंक और डार्क पिंक वाला थ्रेड वर्क किया गया है, तो पूरे लहंगे में कुछ इस टाइप से ही है। आगे पीछे दोनों साइड आपको मिलेगा, घेर भी काफी ज्यादा अच्छा है। कलर है इसका रामा। ये है इसका ब्लाउज, तो ये है फ्रंट, फ्रंट या फिर बैक आप कुछ भी बनवा सकते हैं। ठीक है, और ये है इसका बैक, बैक बिल्कुल प्लेन दिया गया है। और ये दिया गया है इसके लाइनिंग के लिए कपड़ा। दुपट्टा यहाँ पे हमें पिंक कलर का मिलता है, बेबी पिंक कलर का इसका कंट्रास्ट दिया गया है। दुपट्टे का नेट का फैब्रिक है। चारों साइड में हमें इस टाइप से बॉर्डर मिल जाता है, जो जरी और थ्रेड वर्क ही है अगेन, तो इस टाइप से है ये। तो कौन सा लहंगा आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो हो गए लहंगे, अब बात कर लेते हैं साड़ियों की। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ तीन ही लहंगे मंगाए, और फिर मैंने सोचा कि चलो साड़ी वाला कलेक्शन भी दिखा देते हैं आप लोगों को, कि फैब्रिक कैसा क्या है, कैसा लग रहा है, सारी चीजें आप लोगों को भी पता होनी चाहिए ना। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए, ये कुछ इस टाइप से प्रिंट दिया गया है साड़ी का, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसमें जो ट्रांसपेरेंट वाले सितारे जो होते हैं ना सीक्वेंस, हाँ, तो वो वाला वर्क किया गया है इस पे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। और देख ही सकते हैं आप लोगों को, शायद दूर से तो नहीं दिख रहा हो, लेकिन पूरी साड़ी में हमें इसी टाइप का ऐसे ही वर्क मिल जाता है, जो कि नाइट के टाइम पे अगर आप इस साड़ी को पहनेंगे ना, तो ये बहुत ही ज्यादा झिलमिलाता हुआ नजर आएगा, और दोपहर में भी ये चीज अच्छी लगेगी। तो पूरी साड़ी जो है ऑल ओवर प्रिंट है साड़ी का, कुछ भी अलग से नहीं दिया गया है। ये है इसका ब्लाउज पीस इधर साइड से। तो साड़ी काफी ज्यादा बड़ी है, ऐसा नहीं है कि छोटी सी साड़ी हो। और जो साड़ी मुझे पसंद आई है वो आप लोग बताती हूँ। वैसे तो सारे ही ड्रेसेस जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं लगे हैं मुझे। तो ये देखो, तो गाइस इस साड़ी को जो मैंने आप लोगों को हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, और ये मैंने वेयर करके भी देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई। तो यहाँ पे तो है ये साड़ी का ब्लाउज, जो कि स्टिच्ड आया है इस टाइप से है। ये है इसका फ्रंट, ये बैक, बैक नेक थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, तो खैर कोई नहीं। और ये स्लीवलेस है। ठीक है, तो ये साड़ी कुछ इस टाइप के प्रिंट में है, जो कि आप देख ही सकते हैं कुछ झाड़ झाड़ जैसे बने हुए फूल पत्ती टाइप में। और इसके ऊपर भी जो है ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस का काम दिया गया है पूरी ही साड़ी में,
और इसमें से ब्लाउज नहीं है क्योंकि ब्लाउज तो अलग से दिया ही गया है, तो अलग से आप लोगों को ब्लाउज लेने की जरूरत भी नहीं है। ये है ब्लाउज इसका, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा और पहनने के बाद ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी, ये साड़ी को बाय जरूर कीजिएगा। सभी के परचेस लिंक बाय लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कैसी लगी आज की ये लहंगे की वीडियो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, सबसे पसंद आया है वही मुझे आप लोग बताना, ठीक है। और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे जो है प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में, अच्छा सा एक और हॉल लेकर के आने वाली हूँ मैं, तो बाय बाय।